नमस्कार, मैं अविनाश झा घुंगरू और आप ये देख रहे हैं प्लेनेट भोजपुरी। प्लेनेट भोजपुरी के माध्यम से आज हम और हमारे साथ मशहूर गीतकार, जिनका के गाना हर वर्ष में एक बड़ी हिट का लेवल लेके लोगों को एक बड़ा आनंद और बड़ा संगीत का तोहफा के रूप में इनके द्वारा गिफ्ट किया जाता है, तो हमारे साथ में है मेरे भाई मनोज मतलबी जी। जरा इनसे मुखातिब हो जाए। नमस्ते, मैं मनोज मतलबी और आप देख रहे हैं प्लेनेट भोजपुरी, और मेरे साथ जैसा कि भैया ने बताया अविनाश झा और घुंगरू जी। ये नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हमको तो लगता है कि भोजपुरी संगीत में अवतार जिसे कहते हैं, उस तरह के कुछ शख्सियत हमेशा रहती हैं या आती है जिनसे पूरा परिदृश्य बदलता है, उसी रूप में मैं इनको जानता हूँ। पिछले साल पवन सिंह जी की एक पिक्चर आई थी हुकूमत, जिस फिल्म में मनोज मतलबी जी का एक गीत बहुत बड़ा हिट किया था, जवान था बनोले भगवान। देहिया जवान ता बनो ले भगवान, बड़ी ताजा हो, बड़ी ताजा हो। उस फिल्म का एक और गीत आपको सुनाने जा रहा हूँ। दूसरा के नाम के मेहंदी रचा भैलू चीज प्रीतिया कितना सताई। उसी फिल्म प्रोडक्शन, श्रेयस फिल्म प्रोडक्शन की एक और नई पिक्चर हम लोग कर रहे हैं, जिसके हीरो आपके जाने माने चहेते सुपरस्टार पवन सिंह जी हैं, और हम लोग साथ में अभी सही सुपरस्टार के म्यूजिक के लिए काफी मेहनत से एक एक गाने को बना रहे हैं, और आज उसी की म्यूजिक सेटिंग में बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि प्लेनेट भोजपुरी के माध्यम से आप सबके बीच ये हमारी बात, हमारी चर्चा, हमारी म्यूजिक सेटिंग आपके पास जा रही है, और बहुत जल्दी इसके अच्छे अच्छे गाने भी आपको सुनने को मिलेंगे। इस फिल्म का प्रोड्यूसर मेरे भाई प्रेम राय जी, जिन्होंने पिछली बार हुकूमत फिल्म में हम लोगों को मौका दिया था, और उस फिल्म का गाना, उस फिल्म के गाने से मुझे 2016 का बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड, ये देखिए आपके सामने रखा हुआ है, मिला है। मेरे भाई मनोज मतलबी जी के ही गीत पे मुझे ये अवार्ड मिला है, तो एक बार आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हर साल आपके कलम से एक ऐसे गीत निकले जो किसी न किसी म्यूजिक डायरेक्टर को एक बड़ा अवार्ड दिलाते। पहली बात, पवन सिंह ये नाम ही अपने आप में एक एनर्जी है, और दूसरी बात कि घुंगरू जी एक और एक, ये लोग तो खुद ही 11 हो जाते हैं। मेरा काम इसमें कुछ नहीं है, फिर भी भैया का प्यार मुझे इस संगीत के सफर में शुरू से ही मिला है। किस संयोग में जिसके साथ काम करते हैं एक हिट सब बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन इनके साथ वही मुश्किल से चीज़ मुझे बड़ी आसानी से मिल जाती है, और मुझे खुशी है कि इतने दिन तक जो स्नेह और प्यार हम लोगों को मिला है उसको देखते हुए आगे भी उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना दुलार हम लोग को देते रहेंगे, और आपके विश्वास पर खड़ा होने का विश्वास हम दिलाते हैं
ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कभी भी हम लोगों के काम से आप लोगों की नाराजगी हो। मैं आपसे केवल यही उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रहिए और हम हमेशा अपनी कोशिश में लगे रहेंगे कि आप तक, आपके दिल तक मेरी आवाज़ पहुंचे संगीत के रूप में। प्लैनेट भोजपुरी।